बिना संगम गांव के पुनर्वसन और स्थानिक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने का सिलसिला काफी दिन से जारी है। बताया जा रहा है कि बिना संगम गांव में वेकोली खान कार्यरत रहते हुए कोयला उत्पादन शुरू है, जिसमें गांव के किसानों की खेती बाड़ी कोयला माइंस ने संपादित की। कोयला खान से हो रहा प्रदूषण, धूल मिट्टी स्थानीय जनता खा रही है। रोजगार बाहरी पर प्रांतियों को मिल रहा है, जिससे कई लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इतना ही नहीं, गांव पुनर्वसन का सिलसिला काफी दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पश्चात बार बार आंदोलन भी हो चुके हैं। प्रशासन के आश्वासन की चॉकलेट में नागरिक मोह पड़े हैं। गांव के पुनर्वसन समिति एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव के ही लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जिसके लिए बार बार संबंधित प्रशासन को निवेदन भी दिए हैं, जिसके बाद गांव वालों की समस्याओं को धुतकार कर हिटलरशाही का परिचय देने वाले ठेकेदार एवं संबंधित प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी स्थानीय लोग दे रहे हैं। भानेगांव बिना खदान में अंदाजन 100 लोग बाहर से आकर फर्जी VTC, फर्जी मेडिकल कर खदान में ठेके का काम कर रहे हैं। ऐसी चर्चा नागरिकों में हो रही है, जिस पर बिना संगम गांव के स्थानिकों में रोष निर्माण होकर आंदोलन करने का इशारा दिया जा रहा है। बीते 2 महीने से यहाँ पे WCL का काम चालू हो गया है। 2 महीने से जैसे काम चालू हो गया, यहाँ पर कम से कम 70-80 गाड़ियां यहाँ पर काम कर रही है। भारत बेंच हो गया या वोलो गाड़ी, जो भी गाड़ियां है वो यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन बाहर के ड्राइवर लाकर यहाँ का कॉन्ट्रेक्टर जो ठेकेदार है वो काम करा रहा, लेकिन गांव के जो अनुभवी ड्राइवर है उनको रोजगार नहीं दे पा रहा है। यहाँ से 2 महीने से लगातार हम यहाँ पर उनके ऑफिस में आ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उनको विनती कर रहे हैं कि हमारे गांव के जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक रोजगार देने के अवसर उनको दो। और वैसे भी वो अनुभवी ड्राइवर है, वो खुद ये गाड़ियां चला सकते हैं और आपको कोऑपरेट भी करेंगे, खदान को अच्छे से और मतलब बढ़ाने का काम भी करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे गांव के बेरोजगार अनुभवी ड्राइवर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यहां पर बाहर के जो ड्राइवर लोग हैं लाकर बगैर VTC, क्या बोलते, फर्जी VTC, फर्जी मेडिकल करा के उनसे काम कराया जा रहा है, लेकिन हमारे गांव के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है गांव के खिलाफ। और गांव के रोजगार, अगर गांव के ड्राइवर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमने अभी ये तय कर लिया है कि आने वाले 7-8 दिन में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरा खदान का काम बंद करेंगे। सर पहा, आमच्या गावामध्ये एवढी मोठी भूकमरी आली आहे। आता काही वर्षा पहिले इथं खदानीचं काम सुरू झालं होतं, पण या खदानीमध्ये आम्हाला आश्वासन भी दिलं होतं का इथं काम करायचं आहे म्हणून, पण आता आम्ही इतके बेरोजगार झालो आणि आम्ही सुशिक्षित ड्रायव्हर आहोत, आम्ही ह्या गाड्या चालू शकतो, पण हे कंपनीवाले आम्हाला बोलवतात आणि चॉकलेटवर चॉकलेट देऊन राहिले। कधी आज हे, उद्या हे, परवा द्या, असं करता करता महिना झाला आम्ही इथं येऊन राहिलो, पाणी भरून राहिलो, साहेब म्हणते ट्रेनिंग देतो, हे देतो, ते देतो, पण काही देऊन नाही राहिले। आणि आम्हाला घरघर चकरी आणि घुमून राहिले। आमचं एवढंच निवेदन आहे का आम्हाला इथं रोजगार द्यावं आणि आम्हाला इथं काम करायची संधी द्यावं, एवढंच बोलून विनंती करतो। आम गाव के अनुभवी ड्रायव्हर है, 2 महिने से खदान चालू है, आके चक्कर काट रहे, आज आओ कल आओ, ट्रेनिंग भी हो गई है 6-7 ड्रायवर की बुलाया था सोमवार को, 3 दिन हो गए आके पानी भर रहे, ये कुछ ध्यान नहीं दे रहे हमको रोजगार होना, बेरोजगारी फैली हमारे गाँव में। NBC News के लिए खापरखेड़ा से कैमरा पर्सन सुशील सहारे के साथ दिलीप गजबीये।